फ्रेंड्स, आज का वीडियो हमारा एलमेंडा प्लांट के ऊपर है, जो कि गर्मियों का सबसे बेहतरीन फ्लावरिंग प्लांट है। बहुत ही हार्डी प्लांट, जो कि कोई भी बिगनर आसानी से ग्रो कर सकता है और बहुत ही कम केयर में अच्छी सी फ्लावरिंग देने वाला ये प्लांट होता है। तो आज मैं आपको इसके 3 सीक्रेट फर्टिलाइजर्स बताने वाली हूँ, जो कि बहुत ही सस्ते हैं और बहुत ही आसानी से आपको किसी भी एग्रीकल्चर शॉप में मिल जाएंगे, जिनको आप यूज़ करके अपने एलमेंडा के प्लांट पे बहुत ही बढ़िया फ्लावरिंग ले सकते हैं पूरे गर्मी के सीज़न, पूरे बरसात। ये तो आपको लेट समर तक काफ़ी अच्छे नंबर्स में फ्लावरिंग करके देता है। बट पौधा कोई भी हो फ्रेंड्स, जो हैवी फ्लावरिंग करता है उसे खाद पानी की भी ज़रूरत होती ही है। तो आज का टॉपिक किसी के ऊपर है, खास मैं आपको कुछ 3 फर्टिलाइजर बताऊंगी। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं जल्दी से और देखते हैं कि कौन कौन से फर्टिलाइजर्स हैं। तो फ्रेंड्स, ये 3 फर्टिलाइजर्स हैं जो कि इसकी हैवी फ्लावरिंग के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल हैं और मैंने इसी को यूज़ करती हूँ हमेशा, जिनसे मुझे काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स मिले हैं। तो पहला फर्टिलाइज़र जो है बोन मील है। बोन मील में बढ़ने वाले प्लांट के लिए कैल्शियम भरपूर मात्रा में होता है। ये हड्डियों की खाद है और इस तरीके से ये आपको किसी भी एग्रीकल्चर शॉप में मिल जाता है बहुत ही आसानी से। जो लोग नहीं यूज़ करते बोन मील, घर का ऑर्गेनिक यूज़ करना चाहते हैं, वो एक्सेल भी डाल सकते हैं, एक्सेल का क्रश करके पाउडर बना के। और जो लोग बिल्कुल वेजिटेरियन हैं वो लोग चौक का पाउडर आता है, जो ढोकले वाली चौक आती है उसका पाउडर जो है वो भी आप यूज़ कर सकते हो। और पॉट के साइज़ के अकॉर्डिंग लेना है आपको। मेरा ये पॉट आप देख सकते हो काफ़ी बड़ा है, 20 इंच का पॉट है और ये प्लांट भी मेरा काफ़ी पुराना है, तो मैं इतना ले रही हूँ। आप ये कम से कम 4 चम्मच के बराबर है, 4 टीस्पून। बट अगर आपका पॉट छोटा है तो आप कम फर्टिलाइज़र लेना बोन मील। और यहाँ पे मैंने पोटाश लिया है, क्योंकि पोटाश एक ऐसा फर्टिलाइज़र होता है जो कि सभी गर्मी के जितने भी फ्लावरिंग प्लांट्स हैं उनकी हैवी फ्लावरिंग के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। तो पोटाश की डेफिशिएंसी से जो है पत्ते जो है जल्दी जल्दी झड़ने लगते हैं और येलो हो और फ्लावर और बड ड्रॉप होता है, तो इसको बचाने के लिए पोटाश है। और दूसरा यूरिया और फॉस्फेट का मिक्स आता है। अगर आपको नहीं मिल पाता यूरिया फॉस्फेट तो आप किसी भी एग्रीकल्चर शॉप से आपको यूरिया तो मिल ही जाएगा। यूरिया में भरपूर मात्रा में नाइट्रोजन होता है, जो कि प्लांट के अच्छी ग्रोथ के लिए, नाइट्रोजन अच्छी रूट डेवलपमेंट के लिए नाइट्रोजन बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। तो आप यूरिया फॉस्फेट अगर आपको मिल पाए तो आप ज़रूर वही लें। अगर आपको नहीं मिल पाता है तो यूरिया बहुत ही सस्ता फर्टिलाइज़र होता है और पोटाश दोनों ये आप ले सकते हो। अब अप्लाई कैसे करना है वो भी देख लेते हैं जल्दी से। तो सबसे पहले फ्रेंड्स हम प्लांट की गुड़ाई कर लेंगे अच्छे से, इस तरीके से। गुड़ाई भी बहुत ही ज़रूरी होता है, उससे क्या होता है कि एलगाई वगैरह जो लगती है बारिश के मौसम में वो नहीं लग पाती है, और जितने भी घास फूस हल्के हल्के निकल आते हैं जो प्लांट की एनर्जी सक कर लेते हैं वो भी ख़त्म हो जाते हैं। तो इस तरीके से गुड़ाई करना है, रूट बॉल के थोड़ा सा दूर से करना आप। फिर ये जो खाद बना रखी है इसे मिक्स कर लेंगे सारे को, और मिक्स करके हम प्लांट को डाल देंगे। दूर दूर से डालना है, रूट बॉल के दूर दूर से डालना है, साइडों से इस तरीके से। तो इतना इजी होता है। और उसके बाद ये जो मिट्टी थी इसे ढक देंगे, ऐसे से करके मिला देना है। और ये जो काम है ये आप कोशिश करना कि शाम में करना, और करने के बाद पानी ज़रूर डालना अच्छे से। तो ये मैंने रेन वाटर हार्वेस्ट करके रखा हुआ था तो मैं वो डाल रही हूँ। आप के पास नहीं हो, आपने नहीं हार्वेस्ट किया हो तो आप नॉर्मल वाटर भी डाल सकते हो जो स्टोर किया होता है टैंक में। तो इस तरीके से हो गया हमारा काम बहुत ही ईजी तरीके से। और ये काम शाम में करना है या सुबह जब ठंडी ठंडी धूप होती। तो आई होप फ्रेंड्स आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। फिर मिलते हैं किसी और नए वीडियो के साथ किसी और नए टॉपिक पर। तब तक के लिए बाय, टेक केयर ऑफ़ यू एंड योर प्लांट्स, हैप्पी गार्डनिंग।